वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। माई सेल्फ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। और इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। आई एम कंप्लीटेड नाउ बीटेक एमबीए एनसीसी, बट नाउ टुडे टॉप टू बॉटम फुल टाइम एज ए करियर ड्यूसॉफ्टियन। आज जिस शख्सियत को आपके बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ माई डियर फ्रेंड, 3,500 से ज्यादा माइल्स कंप्लीट करके आज आपके सामने आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जीनियस माइंड, लाखों दिलों की धड़कन, रिस्पेक्टेड मिस्टर कुमार मनीष सर, आपके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में माई डियर फ्रेंड। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सर, जब आप ड्यूसॉफ्ट में सर स्टार्टिंग टाइम में थे, जब आप स्टूडेंट थे, तो जहां तक सर हम लोगों को पता है कि आप स्टूडेंट एज में ड्यूसॉफ्ट सिस्टम को आपने स्टार्ट किया था, तो ड्यूसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में सर आपके साथ क्या चैलेंजेस रहे सर एज ए वर्किंग टाइम में, और आपने इतने बड़े सर अचीवमेंट्स किए हैं, तो क्या क्या सैक्रिफाई किया सर यहां तक आपने पहुंचने में? सर बहुत सारे सर ड्यूसॉफ्टियन जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उनको आपने सर कैसे सॉर्ट आउट किया? मतलब दोनों सवाल एक साथ डाल दिए, चैलेंजेस क्या क्या था मेरे साथ और सैक्रिफाइस क्या है। बिल्कुल सर, तो चैलेंजेस देखो, मेरा अब अभी याद करूं, अभी सोचूं तो ऐसे तो फ्लैशबैक में अगर आप जाओगे और सोचने लगते हो तो जो मतलब हर चीज तो चैलेंज ही था। ये ज्वाइन करना भी चैलेंज था और इस बिजनेस को कंटिन्यू करना भी चैलेंज। रियलिस्टिक में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन जो दिक्कत आया था ना, वही सबसे बड़ा चैलेंज था। ये समझो इसी तरह कि अगर आपके हाथ में दर्द होगा तो लगेगा कि पैर में होता तो ठीक था, और पैर में हो जाए तो लगेगा कि सर में होता तो ठीक था, और सर में दर्द हो जाता तो लगता सबसे खराब सर का ही दर्द है। तो उसी तरह जब भी कोई मतलब डेली कुछ ना कुछ परेशानी आती थी, मैं कितना नाम लूं, किसी को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बोलना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे में, कि बोले तो वो क्या करेगा। तो आज सोचता हूं मैं बोलने से डरता था, ये कितना बड़ा चैलेंज था मैं क्या बताऊं, कि सोच के जाता था आज उससे बोलूंगा और हिम्मत नहीं हो पा रहा था, 2 घंटे रहा और उसको बोलूंगा। तो ये बेसिक मतलब ये भी चैलेंज बहुत बड़ा था मेरे लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था मेरा घर, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये मेरा दिमाग जो हमेशा सोचते रहता था कंपनी को लेके, ये दिमाग में चलते रहता था, ये डायरेक्ट सेलिंग मेंबर, मतलब एकदम मतलब क्या क्या बोलूं, हर दिन चैलेंज था, हर व्यक्ति चैलेंज था मेरे लिए। वो प्लान तो बहुत दूर की बात है कि प्लान करना सोचा ही नहीं था उस पर शुरुआती के दिनों में, किसी से बात करना, किसी का सवाल पूछ देना ऑनलाइन, ये भी मेरे लिए चैलेंज था। मतलब तो हर वो चीज जो आप सोच सकते हो, और उस दिन का वो सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये था कि ड्यूसॉफ्ट की अच्छी चीज क्या है, ये टाइम देता है, ये कभी ऐसा नहीं करता है ना कि फायर कर दिया आपको, निकाल दिया। ये बोलता है ये टेस्ट मैच की तरह कि भैया खड़ा रहो, बॉल आएगा ढंग का मार रहे हो, नहीं तो खड़े रहो चुपचाप। मतलब तो हर दिन अब तो याद नहीं है, लेकिन बेसिक याद है मुझे कि फॉलोअप भी चैलेंज लगता था, अपॉइंटमेंट भी चैलेंज लगता था, एक बार प्लान दे दी तो दोबारा मिलने जाना चैलेंज लगता था, लोग मजाक उड़ा देते थे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और आज सोचता हूँ ना तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि दिन भर काम करके आना और फिर वही दोस्त लोग के साथ निगेटिव बैठ के बात करना, इससे निकल नहीं पा रहा था। तो हर वो पिताजी फादर मेरे सबसे बड़े चैलेंज कि उनको ये चीज पसंद ही नहीं था, तो हर वो चीज। और मतलब एक एक शब्द में बोलूं कि मेरा रिजेक्ट होना, जब कोई ना बोलता था ना तो लगता था दुनिया खत्म, और उस दिन मैं भी लगता था कि अब नहीं करूंगा, अब मेरे से नहीं होगा। तो ये जो मेरी सोच थी यही, ये सब चैलेंज। और इस चैलेंज का एक सिंपल बताता हूं, ओवरकम कैसे करो ये चैलेंज। yes, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना ये इंपॉर्टेंट है कि उससे निकले कैसे, मैं कैसे निकल पाया, मैं कैसे बच पाया। हजारों लोग डेड कर जाते हैं, लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया में हर दिन लाखों लोग आते हैं। yes, और 8-10 ट्राई करके घर बैठ जाते हैं। और मैं कोई जिद्दी इंसान नहीं था,
कोई मैं बहुत डिटरमाइंड इंसान नहीं था, मैं बहुत स्ट्रगल करने वाला ऐसा नहीं था जैसा आज हूं। मैं एकदम दब्बू किस्म का, लोगों से बोल नहीं पाना, डरना, झिझक होना, शर्म आना, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेगा, वो वाला इंसान। तो इससे ओवरकम करना सबसे बड़ा है कि टाइम आप दो अपने आप को। आप टाइम मत बांधो कि दो महीने करके देखेंगे या छह महीने करके देखेंगे, आप टाइम दो। कोई ऐसा, अच्छा कोई ऐसा, कोई अगर मेरा बेटा मैं स्कूल भेज रहा हूँ और वो बोले कि पापा मैं दो महीने पढ़ के देखूंगा, समझ में आया तो आगे पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसे चलता है लाइफ। तो टाइम देना होता है, तो थोड़ा सा टाइम। तो मैं बस यही, मेरा मतलब मैं, मेरा फॉर्चून अच्छा, मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे अप्लाइंस अच्छे मिले थे, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे हर मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग में वो ले गए, जो फंक्शंस होता है, और मैं उस इन्वायरमेंट में रहा और उस इन्वायरमेंट के कारण मैं कंटिन्यू किया और मेरे अंदर बदलाव रियली 6-8 महीनों के बाद आया। तो इससे ओवरकम करने का जो सबसे बड़ा डर रहता है रिजेक्ट होने का, मैं तो हमेशा कहूंगा तैयार रहना रिजेक्ट होने का, और इसी डर को मारना होगा, इस डर को मारना होगा जो मेरे अंदर था। अगर वो रह जाता तो मैं फेल हो जाता, क्योंकि मेरे अंदर फेल का डर था। तो इस डर को मारना, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, ये सब निकालना होगा, और आपको थोड़ा सा मार्केट में रगड़ा खाना होगा, और दुनिया आपको रगड़ेगी, और जो दुनिया जितनी जिसको रगड़ेगी ना वो उतना चमकेगा। तो अगर चमकना चाहते हो तो रगड़ खाने से मत बचो, अगर रगड़ नहीं खाओगे तो चमक नहीं आएगी, और जितना रगड़ खा रहे हो ना समझो उतना भगवान बड़ा चेक का उपाय कर रहा है। तो थोड़ा टाइम लगाओ, राइट माहौल में रहो और नॉलेज एक्वायर करो, नॉलेज एकदम। ये बिजनेस पास्ट से नहीं होता, ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है या मेडिकल और आईआईटी का एग्जाम नहीं है कि अगर आप छठी सातवीं आठवीं से अच्छे से नहीं पढ़े ना तो नहीं निकलेगा। ये वो चीज है, आज सही हो जाओ ना ये निकल जाएगा। और मैं इसीलिए इसको किया कि पास्ट मेरा सही नहीं था लेकिन मैं इसको सही कर गया और मैं निकल गया। तो मेरा यही कहना है कि जो चैलेंजेस मेरी थी वो बहुत छोटी छोटी थी, और वही सबकी होती, सारे नए लोगों की होती, जो यहाँ नए लोग होंगे बेसिकली उनका भी हो सकता है ये इसी तरह का चैलेंज, और उससे निकल जाओगे, टाइम दोगे और उसको ट्राई करो। अगर मेरे लिए चैलेंज था, अभी मैं अपना जब चेहरा देख रहा हूँ तो याद आ रहा है मुझे ये टाइम मेरे लिए चैलेंज, ये बांधना ही नहीं आ रहा था, ऐसे स्कूल में पढ़ा ही नहीं था मैं कभी, ये मेरे लिए चैलेंज था। तो टाइम लगा और मैं सीख गया, तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा जो सवाल था जिन्हें आपका, कि सेक्रीफाइस। बिल्कुल सर, सेक्रीफाइस तो मुझे ध्यान, बहुत लोग जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर हैं जो अपनी जॉब को छोड़ के बीस ऑफ किए थे, सेक्रीफाइस किए थे नौकरी का। बहुत लोगों को लगता है कि फैमिली और बच्चों को छोड़ के वो बिजनेस किए, तो उनको टाइम देना पड़ा, शुरू में 2-4 साल मेहनत करना पड़ता है, तो वो फैमिली पे कम ध्यान दिए तो सेक्रीफाइस था। पर मैं तो जिस उम्र में था तो मैं तो ऐसे ही फैमिली से दूर था, स्टूडेंट जो घर से दूर होकर पढ़ाई करता है, तो मेरे लिए सेक्रीफाइस सोचना, अगर मुझे मजा आ रहा था ना, मैं इंजॉय कर रहा था, मजा आ रहा था, मतलब अब बिजनेस में घूमने जा रहा हूँ, इसमें सेक्रीफाइस कुछ तो, हाँ अगर आप देखो, हाँ सेक्रीफाइस मैंने भी किया है यार, अभी तुम बोले तो मैं सोचा सेक्रीफाइस मैंने किया। उस उम्र में मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, सेक्रीफाइस था क्योंकि मैं फोकस हो गया अपने बिजनेस पे, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग थी कि उस लाइन पे नहीं गया, वो लाइन पे चलता तो किसी और स्टेशन पे गाड़ी लगी होती और आप मेरा ही गर्ल नहीं ले लिए रहते। तो मुझे तो लगता है सेक्रीफाइस तो यही होगा, और तो कुछ खास सेक्रीफाइस मिला ही इतना है, मतलब मिला इतना कि सेक्रीफाइस क्या, मेहनत करने को हर आदमी तैयार होता है यार, भागना, लोगों से मिलना जाना सुबह शाम, तो ये तो मुझे नहीं लगता ये सेक्रीफाइस है सिंपल से। हाँ मैंने कुछ क्रिकेट मैच छोड़े, मुझे क्रिकेट देखने का शौक था, आप बोल रहे हो तो मुझे याद आ गया कि मैंने उस समय मैं छोड़ दिया था क्रिकेट देखना, मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था जो मैं डेली खेलता था, तो ये सेक्रीफाइस था। फिल्में देखना छोड़ दिया था, मैं एकदम जुनून, मेरा लगता था कि वहां जो 100 रुपए लगेंगे मैं यहाँ पे अपना काम करूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा टाइम यहाँ पे लगेगा,
तो हाँ कुछ शादियां मैंने रिलेशन में जाना छोड़ दिया, फेस्टिवल वगैरह में थोड़ा घर जाना छूटा, तो सेक्रीफाइस यही सब। और अब जो यही मेरा सेक्रीफाइस है, और इसी के बदले मुझे मतलब वो कहावत मैं कहते बिना कीमत चुकाए सफलता नहीं मिलता, तो मैंने यही कीमत चुकाया दोस्त कि थोड़ा मौज मस्ती तो बाहर करते रहे, वो कम किया और बस कुछ दिन, उसके बाद तो सिर्फ मस्ती ही किया। मैं तो काम आज भी बोलता हूँ कि 5 साल ही किया हूँ, उसके बाद तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। और वाकई में सर जो चैलेंजेस सर आपने बताया, जो सक्रिय आज के सर स्टूडेंट की जो तरह जो यूथ है सर, अधिकतर सर उनके पास यही सर चैलेंजेस होती हैं। और जो सर आपने बताया ना कि स्टूडेंट एज में सर गर्लफ्रेंड अगर बनाया होता तो कहीं और होता, और कहीं ना कहीं सर आज के यूथ के लिए सर एक बहुत बड़ा सर आपने मूल मंत्र दिया है कि अगर शायद ये नहीं रहेगा तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो गाड़ी कहीं और प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। नहीं, उसका रीजन होता है विनय कि न्यूज ऑफ में ना हम जब काम करते हैं तो पैसा खूब कमा लेते हैं जल्दी, और दूसरा देखो कपड़े उपड़े बदल जाते हैं, बोलने चाल का कला आ जाता है, तो कोई भी प्रभावित हो जाता है। अब जब प्रभावित हुआ तो आप उसके प्रभाव में बढ़ गए, तो फिर ऊपर वाला सोचा कि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसकी जरूरत वो है तो उस लाइन में आपको भेज देता है। तो आपको स्टेबल रहना है और ऊपर वाले ने मेरे को उस लाइन में नहीं धक्का दिया। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका। थैंक यू सो मच सर, आज सर आप हमारे बीच में आए और कितना शानदार तरीके से सर आपने अपना पिछले 21 सालों का सर एक्सपीरियंस आपने सर यहाँ पे शेयर किया, और हमारे हर सवालों का इतना सिंपल तरीके से, इतना फ्लुएंट और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इतना बढ़िया तरीके से सर आंसर दिया, और वाकई में सर लॉट ऑफ थैंक्स सर वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। मेरे लिए उसी का मौका वो होगा जहाँ पे आप सारे लोग कामयाब हों, अपने सपनों को पूरा करें, और ड्यूसॉफ्ट के साइट पे आपका वो फ्लैश के ऊपर आपका फोटो आए, आपकी अचीवमेंट आए।